दोस्तों वन प्लस का जो 10 सीरीज आने वाला है चाइना में, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि 11 जनवरी को चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद आपको ग्लोबली देखने को मिलेगा, इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दो फोन देखने को मिलने वाले थे, वन प्लस 10, वन प्लस 10 प्रो। यहाँ पे वन प्लस 10 प्रो का फुल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे निकल के आ गया है, या दोस्तों यहाँ पे उसका पूरा स्पेसिफिकेशन निकल के आ गया है कि उसमें कौन सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्या उसकी यहाँ पे बैटरी होने वाली है, उसमें कौन सा चिपसेट होने वाला है, कैमरा क्या देखने को मिले, सब कुछ यहाँ पे बाहर निकल के आ गया है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे इस फोन की क्या प्राइस होने वाली है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके बॉडी की, इसमें आपको एल्युमिनियम फ्रेम इस बार देखने को मिलने वाला है और आपको फ्रंट में और बैक दोनों साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी डिस्प्ले देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको 6.7 इंच की फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों ये आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 8 जनरेशन 1 वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है और बैटरी एफिशिएंसी चिपसेट भी है। और इसमें आपको Cortex A710 CPU देखने को मिलने वाला है और Adreno 730 GPU भी देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ में आपको LPDDR5 RAM UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों मैं आप सभी को बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। और बैटरी की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 5000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलने वाली है, इसके साथ में आपको 80W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा और उसी के साथ में इसमें आपको 50W का वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बैटरी को भी लेके यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरे की, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 48MP का मेन कैमरा, 8MP का टेलीफोटो और 50MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप भी इस प्राइस रेंज पे देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन देखने को मिलने वाला है और उसी के साथ में दोस्तों इसमें आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका फोन पानी वगैरह में भी गिर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें दोस्तों आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी सिस्टम भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे स्पेसिफिकेशन जो देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से फोन बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की दोस्तों, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 70,000 से लेके 80,000 के बीच में देखने को मिलने वाली है। या दोस्तों इसकी प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है, क्या होने वाला है कोई अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो यही बताते हैं दोस्तों कि आपको 70,000 मिनिमम प्राइस और 80,000 मैक्सिमम प्राइस होने वाली है, इन दोनों के बीच में आपको प्राइस देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल बात करें दोस्तों इस फोन की, इसमें आपको जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ताने देते हैं दोस्तों इस फोन को, तब तक दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।